रेल कोच फैक्ट्री के बाहर उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब फैक्ट्री के बाहर बनी प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों को अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते 400 से 500 झुग्गियां जलकर राख हो गई। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, पर तब तक आग काफी झुग्गियां जलाकर राख कर चुकी थी। गनीमत ये रही कि झुग्गियों के पास ही एलपीजी का गोदाम भी था, जो रेल फैक्ट्री की दीवार होने के कारण आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं जहां इस हादसे से झुग्गियों पर असर पड़ा, उसके साथ ही प्रवासी मजदूरों का सामान भी जलकर राख हो गया, पर आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। जहां इस मौके पर बड़ी गिनती में पुलिस कर्मचारी पहुंचे, वहीं जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। क्या सामान बचा है? एक बच्चा लड़का आदमी बचे है और क्या कुछ सामान बचा है? सारा तो चल गया है। ਰੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਹੀ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਂਪੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਇੱਥੇ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਝੁੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੇਲ ਡੱਬਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ।